लीडर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले एक शूज कंपनी के आईपीओ आने वाला है कंपनी का, और उसका आईपीओ के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और ये कंपनी शूज में काम करती है, मार्केट में दो ही मार्केट लीडर थे, रिलैक्सो और बाटा। अभी अभी एक राकेश झुनझुन वाला पोर्टफोलियो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ, और अभी ये नेक्स्ट कैंपस स्टॉक मार्केट में लॉन्च होने वाला है। अभी अभी देख सकते हो, ये स्पोर्ट्स वियर शूज में मैन्युफैक्चर करते हैं और सेल करते हैं। उसमें ये लीडिंग कंपनी है, ये अच्छे खासे शूज़ बनाती है, डिज़ाइनर शूज़, और ये ब्रांडेड है और ये इसको लोग पसंद भी कर रहे हैं। आप देख सकते हो मेन और वुमन दोनों के लिए ये शूज़ बना रहे हैं, और अलग अलग ये इनके ब्रांड्स नेम पे अलग अलग शूज़ ये डिज़ाइन अवेलेबल कर रहे हैं मार्केट में अभी। और ये कंपनी 2005 से काम कर रही है मार्केट में, और कैंपस एक्टिव वियर लिमिटेड इस कंपनी का पूरा नाम है, और इंडिया इज़ लार्जेस्ट स्पोर्ट एंड एथलीजर फुटवेयर ब्रांड है ये, स्पोर्ट्स में और एथलीट्स में। द कंपनी मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूट वैरायटी ऑफ फुटवेयर लाइक रनिंग शूज, वॉकिंग शूज, कैजुअल शूज, फ्लोटर, स्लीपर, फ्लिप फ्लॉप, सैंडल, सभी प्रकार के शूज में ये काम करते हैं। जो भी अभी रनिंग वाले, स्पोर्ट वाले, कैजुअल, फ्लोटर, सभी मल्टीपल ये अवेलेबल है इनके पास प्रोडक्ट्स, मल्टीपल प्रोडक्ट्स है और मल्टीपल कलर में भी अवेलेबल, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल कलर, मल्टीपल स्टाइल एंड अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है वो भी। कैंपस एक्टिव वियर सेल इट प्रोडक्ट थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड ऑफलाइन स्टोर, ये ऑनलाइन भी सेल करते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सभी पे, और ये ऑफलाइन स्टोर में भी अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। इनके 400 डिस्ट्रीब्यूटर्स है 28 स्टेट्स में और 625 सिटीज़ में ये अवेलेबल है। इनका अच्छा खासा पैन इंडिया नेटवर्क अवेलेबल है, पैन इंडिया ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इनका, 400 डिस्ट्रीब्यूटर्स इन 28 स्टेट्स और 625 सिटीज़ में ये अभी अवेलेबल है। द कंपनी ऑल्सो हैज़ 18,200 रिटेलर्स अक्रॉस इंडिया, 18,200 रिटेलर्स है इनके पास अक्रॉस इंडिया, ये पैन इंडिया काम कर रही है कंपनी। द कंपनी ओन एंड ऑपरेट 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, इनकी 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है पूरे इंडिया में। इंस्टॉल एनुअल कैपेसिटी असेंबली 25.6 मिलियन पेयर्स ऑन ऑफ सेप्टेम्बर 30, 2021, इन्होंने अभी तक 25.6 मिलियन पेयर्स सितंबर 30, 2021 में बनाए हैं। ये कैंपस इंडिया लार्जेस्ट फुटवेयर ब्रांड है स्पोर्ट्स एंड एथलीजर में, ये लार्जेस्ट फूड ब्रांड अभी उभर रहा है, और ये कंपनी अच्छा काम कर रही है मार्केट में। और इनके अलग अलग स्ट्रेंथ्स दिखाए इन्होंने, सस्टेन फोकस ऑन डिज़ाइन एंड प्रोडक्ट इनोवेशन फैसिलिटीज़, ये अपने प्रोडक्ट डिज़ाइन और इनोवेशन में अच्छा खासा फोकस कर रहे हैं। लेटेस्ट ग्लोबल ट्रेंड स्टाइल थ्रू फैशन फॉरवर्ड अप्रोच, तो ये अलग अलग अपनी फैशन की तरह चेंज होते जा रहे हैं और इनोवेशन कर रहे हैं। डिफिकल्ट टू रिप्लीकेट इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी सपोर्टेड बाय रोबस्ट सप्लाई चेन, सप्लाई इनको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी में। रोबस्ट ऑमनीचैनल सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इनका अच्छा नेटवर्क है, पूरे पैन इंडिया में प्रेजेंस है इनका, और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी स्ट्रांग है, और स्ट्रांग ब्रांड है इनके पास, और इनोवेटिव ब्रांडिंग है इनकी, मार्केटिंग अप्रोच एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है इनके पास। तो ये अच्छा खासा आईपीओ मार्केट में लॉन्च होने वाला है, तो हम अभी इस आईपीओ के बारे में और डिटेल में जानते हैं। अभी ये अभी आप देख सकते हो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी चल रहा है, ये छोटा सा आईपीओ है अभी दोस्तों, देखेंगे अभी हम। अभी हम आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल पे, आप देख सकते हो ये क्वार्टरली रिजल्ट है और वो भी मिलियंस में रिजल्ट है इनके, ये टू मार्च 2019 से अपने रिजल्ट दिखाए इन्होंने। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं हम इनका, आप देखिए रिवेन्यू में भी इनके कंटिन्यूसली जंप है और नेट प्रॉफिट में भी जंप दिखाई दे रही है हमें। आप देख सकते हो 19 से इनका रेवेन्यू, 19 में 6000 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू था, और अभी दिसंबर 2021 दो सालों में इन्होंने 8439 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया दिसंबर 2021 में। और अभी देखिए 19 में इनका नेट प्रॉफिट था 386, 20 मार्च 20 में ये एक एक साल का दिखाया दोस्तों इन्होंने, और देख सकते हो मार्च 20 में इनका 623 मिलियन का नेट प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 623 मिलियन मीन्स 62 करोड़ का नेट प्रॉफिट है इनका। फिर थोड़ा सा गिर गया 2021 में, मार्च 2021 में, और ये 268 करोड़, 68 मिलियन, फिर दिसंबर 2020 में इन्होंने 168, कोविड की वजह से थोड़ा सा डाउन हो गया, अभी दिसंबर 2021 में इन्होंने अच्छी खासी जंप की है, 848 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया इन्होंने, 84 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और अभी हम आईपीओ के डिटेल्स जानते हैं। एक इस कंपनी का आईपीओ कैंपस एक्टिवेयर का आईपीओ आ रहा है 26 अप्रैल को और क्लोज होगा 28 अप्रैल को, और ये बुक बिल्ड इशू आईपीओ है, इसका फेस वैल्यू है 5, ये फ्यूचर में स्प्लिट दे सकता है, और आईपीओ का प्राइस बैंड है 278
292 पर इक्विटी शेयर आपको अपर प्राइस बैंड पे अप्लाई करना पड़ेगा 292 पे, और मार्केट लॉट है 51 शेयर्स का मार्केट लॉट है अभी, और ये NSE और BSE दोनों पे लिस्ट होने वाला है। और इशू साइज इनका देखिए 1400 करोड़ का इशू साइज है, ठीक ठाक इशू साइज है 1400 करोड़। और ऑफर फॉर सेल है इनका, पूरा ऑफर फॉर सेल ही है इनका, देख सकते हो आप OFS में ही बेच रहे हो, OFS ही है पूरा ये। और एम्प्लॉय डिस्काउंट दे रही है 27 रुपीज़ का, एम्प्लॉय को अपने डिस्काउंट दे रहे हैं 26 रुपीज़ का। और QIB के लिए रखा है इन्होंने 50%, रिटेल इन्वेस्टर के लिए रखा है 35%, और HNI के लिए रखा है 15%। तो अच्छा खासा इन्होंने आप परसेंटेज रखा है रिटेलर के लिए भी। और IPO की डेट अभी तो बताइए, टेंटेटिव सभी डेट्स अभी अवेलेबल है इधर। IPO की डेट है 26 अप्रैल को ये फोन ओपन होगा, 28 को क्लोज होगा, और जिसको भी अलॉटमेंट हुई है उसको 4 मई को पता चलेगा, मई 4, और ये मई 5 को ये रिफंड कर देंगे, जिसको IPO नहीं लगा उसका पैसा रिफंड हो जाएगा। और 6 मई को डीमेट अकाउंट में आपके शेयर आ जाएंगे, और IPO की लिस्टिंग है 9 मई को, 9 मई को IPO की लिस्टिंग है दोस्तों। और ये 51 शेयर का 1 लॉट है, 1 लॉट के लिए आपको 15,000 के आसपास स्पेंड करना पड़ेगा, और मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, 2 लाख के आसपास आप उसका वैल्यूएशन जाएगा। 663 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हो आप मैक्सिमम। और अभी प्रमोटर की होल्डिंग है 78%, और इसके बाद हो जाएगी लिस्टिंग के बाद 74% तक आ जाएंगे ये। तो ये IPO मार्केट में लॉन्च होने वाला है, और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है दोस्तों 60 रुपीज़, अभी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 60 रुपीज़ चल रहा है। और IPO लिस्ट होते होते ये 0 भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है IPO मार्केट में। अगर मार्केट गिरता है तो कुछ भी हो सकता है, आपके 4-5 दिन पैसे लॉक हो सकते हैं, लॉक हो जाएंगे। और ये IPO अगर नीचे भी लिस्ट हुआ तो आपको कोई ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो इस हिसाब से आप इसमें पैसे इन्वेस्ट कीजिए। अभी 60 रुपीज़ बहुत ही कम चल रहा है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम, अगर 50% पे भी मिलता तो अच्छा होता। ये छोटा सा ग्रे मार्केट प्रीमियम के लिए हम, ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ही कम है दोस्तों, 60 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम है, मिनिमम 20-30% तो ग्रे प्रीमियम मिलना चाहिए, तो आप इन्वेस्ट करने का सोच सकते हो IPO में अप्लाई करने का। मगर अच्छे कंपनी का IPO है, और मार्केट में ये मोनोपोली बिजनेस कर रहे थे रिलैक्सो और बाटा, तो अभी इस शेयर के आते ही थोड़ा सा मार्केट में ये हो जाएगा, अच्छी खासी अवेलेबिलिटी हो जाएगी शेयर्स की, तो इस वजह से आप इस शेयर में अप्लाई कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।